एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में क्या हुआ है मंडली के बीच बड़ा झगड़ा। जी हाँ, क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में, आखिर क्या बड़ा झगड़ा हुआ है मंडली के बीच, पूरी खबरें आपको बताएंगे यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर, लेकर हाजिर है आपके लिए आज बड़ी अपडेट। एमसी स्टैन का कॉन्सर्ट हुआ है कल मुंबई में। जी हाँ, जीत के बाद बस्ती का हस्ती एमसी स्टैन, मुंबई में पहली बार उनका कॉन्सर्ट हुआ। कॉन्सर्ट देखने के लिए यहाँ पर मंडली के सदस्य भी नजर आए। जी हाँ, मंडली के सदस्यों में निमृत, सुम्बुल और शिव तीनों ही यहाँ पर स्पॉट हुए। पर खबरें इस तरह क्यों आ रही हैं कि यहाँ मंडली के बीच बड़ा झगड़ा हुआ है, आखिर किसकी वजह से ये बड़ा झगड़ा मंडली के बीच हुआ? क्या यहाँ पर प्रियंका वजह बनी? प्रियंका जो आई भी नहीं थी इस पार्टी में, इस कॉन्सर्ट में, क्या उनकी वजह से मंडली में बड़ा झगड़ा हुआ या फिर कोई और वजह थी जिसके चलते मंडली में पड़ी फूट और झगड़ने लगी मंडली एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में? पूरी डिटेल्स आपको यहाँ हम बता देते हैं। खबरें इस तरह सामने आ रही हैं कि यहाँ पर एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में बहुत ही खुशी खुशी सुम्बुल आई, निमृत आई और शिव भी आए। यहाँ इस दौरान मीडिया था, जाहिर सी बात है मीडिया इन लोगों की बाइट्स लेना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था। पर इसी दौरान निमृत से जब प्रियंका से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो निमृत भड़क गई बुरी तरह। निमृत मीडिया पर भड़कती हुई नजर आई जब उनसे पूछा गया प्रियंका से जुड़ा सवाल। लेकिन इसके बाद जो मंडली के बाकी सदस्य थे, यानी कि यहाँ जो मौजूद दो सदस्य थे सुम्बुल और शिव, ये दोनों निमृत की जगह प्रियंका का साथ देने लगे और निमृत से इस तरह कहने लगे कि प्रियंका यहाँ मौजूद नहीं है, हम अपने दोस्त के लिए कॉन्सर्ट देखने आए हैं उसका। तो ऐसे में प्रियंका के नाम पर ज़बरदस्ती इस तरह से रिएक्ट करना, इस तरह से मीडिया पर चिल्लाना, ये सब चीज़ें कोई ठीक बात नहीं है। पर निमृत समझ ही नहीं रही थी और इसके बाद यहाँ बड़ा झगड़ा निमृत, सुम्बुल और शिव के बीच देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर सुम्बुल और शिव एक तरफ थे और निमृत एक तरफ हो गई थी। बात अगर प्रियंका की करें तो घर से बाहर आने के बाद निमृत के साथ ही बस प्रियंका की बॉन्डिंग नहीं दिखाई दी है। बाकी सुम्बुल, जो घर के अंदर प्रियंका की कुछ खास अच्छी दोस्त नहीं थी, घर से बाहर आने के बाद इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है। शिव से तो प्रियंका की बातचीत घर के अंदर ही अच्छी हो गई थी, एमसी स्टैन से भी उनका बॉन्ड ठीक है। ऐसे में निमृत अभी तक प्रियंका के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रही है और इसी के चलते हुई है निमृत और मंडली के बीच बड़ी लड़ाई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कितनी अच्छी लगती है आपको प्रियंका या फिर निमृत या मंडली, अपने कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।